हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल मैथ वीवीएन चैनल। और इस वीडियो में हम सीखेंगे स्टूडेंट मिक्स फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये टू फ्रैक्शंस हैं, इसके बाद थ्री फ्रैक्शन वाला भी आपको करवाऊंगा। आई होप सो कि वीडियो देखने के बाद आपकी जो है प्रॉब्लम जो है मल्टीप्लाई करने के हवाले से फ्रैक्शंस को वो रिमूव हो जाएगी। सो लेट स्टार्ट। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहला स्टेप ये होता है कि आपने इसके फैक्टर्स ब्रेक करने हैं। फैक्टर्स ब्रेक करने हैं तो ये देखिए, थ्री टूज आर कितना होता है, आप इसको देख रहे हैं, थ्री टूज आर सिक्स, और उसके बाद सिक्स जो आंसर आएगा इस सिक्स में प्लस ये वन कर देना है, सिक्स प्लस वन सेवन डिवाइडेड बाय टू। गॉट इट? मल्टीप्लाई का साइन अगेन, फोर को फाइव से मल्टीप्लाई कर दें, फोर फाइव आर ट्वेंटी, और ट्वेंटी में प्लस ये ऊपर वाला फोर कर देंगे, ट्वेंटी प्लस फोर इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाय फाइव। ये हमारे पास आ गई दोनों वैल्यूज, ठीक है। अब ये होता है कि अगर तो फ्रैक्शन ऊपर नीचे कटती हो उसको काट देते हैं, या क्रॉस कटती हो उसको काट देते हैं। तो आप ये देखो कि ये सेवन टू पे डिवाइड नहीं होता, फाइव ट्वेंटी फोर फाइव पे डिवाइड भी नहीं होता, ऊपर नीचे नहीं करती। अब हम क्रॉस देखते हैं, टू वन आर, ठीक है, और ये कट होता है टू को, अब कट कर दें, टू वन आर, टू टू आर। अब ये देखो स्टूडेंट, ये सेवन आ गया ओवर वन मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है, 12 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब नहीं कटता फर्दर, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई। तो ये देखो 7 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 7 जो 7 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, 84, 12 4 12 7 जार 84 डिवाइडेड बाय 5। अब 84 बाय 5 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो अब हम इसको और फर्दर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। ये देखें 84, इसको 5 पे डिवाइड करेंगे हम, पहली वाली वैल्यू पे जाता है 5, 5 वन जार 5, ये देखें, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3, 4 नीचे ले आए, 5 6 जार 30, और यहाँ पे 4 आ गया। तो इसका जो हम आंसर लिखेंगे वो आपके पास आ जाएगा 16 होल, ठीक है, 16 होल 4 बाय 5। अब इसको चेक करना हो तो 16 को मल्टीप्लाई करें 5 से, ये आ जाएगा 80, प्लस उसमें 4 कर देंगे तो 84 हो जाएगा। फाइन स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन हमारे पास है 4 होल 4 बाय 5 मल्टीप्लाई हमारे पास है 1 होल 5 बाय 14। ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है, तो इसको भी कर लेते हैं स्टूडेंट। इसी तरह से इसको अभी हमने ये देखें, 5 4 आर 20, 20 प्लस 4 24 ओवर 5, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन, और यहां पर आपके पास आ जाएगा 14 को आप मल्टीप्लाई कर दें 5 से, तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा आपके पास, 14 वन जार 14 प्लस 5 करेंगे तो 14 आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा 9। 9 जब हमारे पास आएगा तो नीचे 14 ही रहेगा। अब कट करने की कोशिश करते हैं क्रॉस, तो ये देखें ये वाला जो है वो 2 पे कट करता है, 2 2 7 जार, ठीक है, और 2 12 जार, फाइन। इसके अलावा ये कट नहीं होता, 12 ओवर 5 मल्टीप्लाई 19 डिवाइडेड बाय 7। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये देखिए 37 आ जाएगा, ये 35 आ जाएगा, ये तो बहुत आसान था। अब इसके लिए हमें जो है वो 19 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, हमने 19 को, तो वो हम कर लेते हैं, 19 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, और ये बहुत आसान सा है क्वेश्चन। 228 जो है हमारे पास इसका आंसर आएगा, जब 19 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 28 से, 228 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट ऊपर वाली वैल्यू भी हमारे पास ग्रेटर है, तो इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये देखें 228 हमने 228 रख लिया हमने। इस तरह के मुश्किल क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी से आगे जो है वो समझ आ जाएगा। अगर इसको हम 35 को हमने मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर से, कि उसका आंसर 228 से लेस आए या इक्वल आए, इसके ग्रेटर ना आए, तो इसको अगर हम 35 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इससे, आप देखें 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 350, अगर 9 से करेंगे तो उसमें से 315 आ जाएगा, ठीक है।
तो ये 8 पे जाए, 8 पे करने की कोशिश करते हैं, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 8 फाइव आर 40, 4 कैरी, 8 थ्री आर हमारे पास 28, 24, और 24 में ये हमारे पास हम मिला देंगे 4, तो ये 280 आ जाएगा। इसका मतलब ये भी ज़्यादा है। 35 को 7 से हम करके देखते हैं, 7 से, ठीक है। 7 फाइव आर 35, 3 कैरी आ गया हमारे पास। 7 थ्री आर 21 प्लस, इसमें हम कर देंगे 21 में करेंगे 3 प्लस, तो 24 आ जाएगा, ये इससे भी ज़्यादा हो गया। अब हम करेंगे 35 को 6 से, 6 को करेंगे 0 आ जाएगा, 3 बच जाएगा। 6 फाइव आर 30 होता है, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18, 18 में हम 3 प्लस करेंगे तो 210 आ जाएगा, ठीक है। 210 यहाँ पे हम इसको लिखेंगे क्योंकि ये लेस है, ठीक है। ये चेक करना होता है कितने पे गया था, 6 पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 8, ठीक है, और इसके बाद 1 हमारे पास आ जाएगा। अब हमने इसका आंसर लिखना है स्टूडेंट। आंसर लिखने के लिए कोई ये मुश्किल है, बहुत आसान है, ये मुश्किल नहीं है आंसर। हम इसको लिखना, ये देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। ये हमारे पास इसका आंसर है जी, इसी से लेंगे हम 6 होल 18 ओवर 35। ये हमारे पास स्टूडेंट आंसर है इसका, इसी वाले क्वेश्चन का।